हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे इंटीरियर पोर्शन लिगामेंट की फेस 2 की एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे फेस 1 की एक्सरसाइजेस शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर पोर्शन लिगामेंट कहाँ होता है, इंजरी इसकी कैसी होती है और कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी। और आज वही चीज़ कंटिन्यू करके फेस 2 की मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, दैट इज फ्रॉम 2 to 4 वीक्स। पिछली जो एक्सरसाइज थी दैट इज फॉर 1 to 2 वीक्स और आज जो है दैट इज 2 to 4 वीक्स। लेकिन आज ये जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ आपको जो पिछली एक्सरसाइज थी वो भी साथ में कंटिन्यू इसके करनी है। एक और चीज़ कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एंकल पंप्स। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एंकल पंप्स करने हैं, उस टाइम मैंने फास्ट बताया था, लेकिन इस टाइम हमको थोड़ा सा होल्ड करना है इसको लाइक दिस। टॉवल का रोल आप अपने एंकल के नीचे रख लीजिए इस तरह से और उसके बाद अपने एंकल को अपनी तरफ खींचना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे की तरफ लेके जाइए, फिर होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। दोबारा देखिए, इस तरह से मैंने अपनी तरफ खींचा है, मैं इसको होल्ड कर रही हूँ, फिर मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ, फिर मेरे को इसको होल्ड करना है लाइक दिस, इस तरह से। ये एक्सरसाइज आपको 20 से 25 रिपीटेशंस तक करनी है। अब हमारी सेकेंड एक्सरसाइज जो कि हील स्लाइड है, पैरों को सीधा, अब इस पैर को राइट लेग को मैं ऐसे मोड़ूंगी अपने हील्स के साथ लाइक दिस। जितना इजीली हो वो करना है आपको, हो सकता है थोड़ा पेन हो, थोड़ा पेन इट्स ओके, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। रिलैक्स, दोबारा देखिए, इस तरह से मोड़िए, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दोबारा देखिए लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आपको 20 से लेकर 25 रिपीटेशंस तक करनी है। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज दैट इज स्ट्रेट लेग रेस। इसके लिए मैंने अपना दूसरा घुटना मोड़ लिया, नाउ इसको सीधे सीधे से ऊपर उठाना है, फिर एंकल को अपनी तरफ इस तरह से खींचना है, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दोबारा देखिए, अगेन होल्ड इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, इसमें हम अब हैमस्ट्रिंग्स की आइसोमेट्रिक्स करेंगे। हैमस्ट्रिंग्स का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो जो नी है उसको होल्ड करके रखें। तो इसके लिए आप नी को इस तरह से मोड़िए, अब जो हील है उसको मैं नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस करूँगी लाइक दिस। आई विल होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दोबारा देखिए लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक बार और लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब जो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है दैट इज फॉर द क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स की आइसोमेट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, इसमें ये हमारी नी की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा। हैम्स की और क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है नी को स्टेबलाइज करने में, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। तो इसके लिए जो टॉवल का रोल है वो मैंने अपने घुटने के नीचे रख लिया है एंड नाउ आई विल प्रेस इट डाउन। इसको मैंने नीचे की तरफ मेरे को इस तरह से दबाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं बता देती हूँ, आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं। लेट के मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अननेसेसरी स्ट्रेन ना हो बैक में। तो अगर आपके लिए बैठ के कंफर्टेबल है तो आप ये एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं लाइक दिस। अब इसको मेरे को ऐसे प्रेस करना है। आई विल होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अगेन
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। दोबारा देखिए, ये जो मेरा घुटना है वो आपको पता चलेगा कि नीचे की तरफ प्रेस हो रहा है, यहाँ से जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। ये जो जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ ये आप कम से कम दिन में 3 से 4 बार कीजिए। ये जो आइसोमेट्रिक्स है 20 रिपीटेशंस आप इसकी कीजिए इसमें लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। अभी प्रोडक्शन में हमको इस तरह से लेट के ये एक्सरसाइज करनी है, तो इसमें पैर को मुझे बाहर की तरफ लेके जाना है लाइक दिस। पैर को इस तरह से अपने मत लेके जाइएगा लाइक दिस, कोई झटके से नहीं करना, एकदम धीरे धीरे लेके जाना है, धीरे धीरे लेके आना है। और पैर को इस तरह से घुमा के लेके नहीं जाना, एकदम न्यूट्रल रखिए पैर को इस तरह से। नाउ डू लाइक दिस, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। दोबारा देखिए, पैर को बाहर की तरफ नहीं लेके जाना है लाइक दिस। होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। तो ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज हिप एब्डक्शन। लेकिन यही चीज मैं अब साइड लाइन पोजिशन में करूंगी इस तरह से। मैंने आपको राइट लेग का बताया था, लेकिन अब मेरे को लेफ्ट लेग का मैं आपको बता रही हूँ। आप सेम लेग से ही आपको करना है लाइक दिस। ऐसे साइलेंट पोजीशन में आप लेटिए और पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है लाइक दिस। होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। दोबारा देखिए, आपको इस तरह से नहीं करना है इसको, एकदम आपका ये जो है पोजीशन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। एक बार और देखिए लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज पेल्विक ब्रिजिंग। इसके लिए दोनों हाथ आप सीधे रखें और अपने कमर को आपको ऊपर उठाना है लाइक दिस, क्योंकि अब हमको थोड़ा वेट डालना है पैर में। इस तरह से हमको इसको करना है। इससे हमारी बैक की एक्सरसाइज होगी, हिप की होगी, नी की होगी, एंकल की होगी। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। नाउ यू विल होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। दोबारा देखें लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। ये कुछ एक्सरसाइजेस थी हमारी फेस 2 के लिए, दैट इज फॉर 2 to 4 वीक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेस 3 के एक्सरसाइजेस बताऊंगी, दैट इज फॉर 4 to 6 वीक्स, जिसमें हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करेंगे फॉर द मोर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर मसल्स। तब तक के लिए टेक केयर।